वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वे के निचली अदालत के आदेश पर 26 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वे के वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ ने सुनवाई की। जिला अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। मस्जिद कमेटी ने अर्जी दाखिल कर मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पहले आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान ज्ञानवापी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से वकील हुसैफा अहमदी ने कहा, वाराणसी की जिला अदालत ने शुक्रवार को एक आदेश दिया जिसमें पूरे परिसर के सर्वे का आदेश दिया गया। एएसआई का सर्वे आज सुबह 7 बजे शुरू हो गया। हमको जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने का मौका तक नहीं मिला, इसलिए सीधा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। से यही दलील थी कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है और जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए, बिना क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वेक्षण किया जाए। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, और हमारे बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम स्टे, इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मामला जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर दोबारा अफ्रेश इसे डिसाइड करेगी कि ये रोक रहनी है कि नहीं रहनी है, ये ऑर्डर सही है कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, निचली अदालत के एएसआई सर्वे के आदेश पर रोक नहीं लगानी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में केवल वीडियोग्राफी मैपिंग, रडार मैपिंग आदि हुई है, वहां पर खुदाई नहीं की गई है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, मुस्लिम पक्ष को 2 दिन का समय हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देने के लिए देना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा, हमने निचली अदालत का आदेश नहीं देखा है, लेकिन पिछली बार स्ट्रक्चर के कार्बन डेटिंग के आदेश को चुनौती दी गई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम आदेश देता है तो उसका असर हाईकोर्ट की सुनवाई पर पड़ेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वहां पर सिर्फ रडार इमेजिंग फोटोग्राफी की जा रही है, इससे स्ट्रक्चर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हिंदू पक्ष ने कहा कि एएसआई के डायरेक्टर को निचली अदालत ने आदेश दिया था कि किसी भी तरह का डैमेज नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि शुक्रवार को वाराणसी जिला जज ने एक आदेश पारित किया जिस आदेश के माध्यम से एएसआई को निर्देशित किया गया कि वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, यानी आज उन्हें इन्वेस्टिगेशन शुरू करके रिपोर्ट सबमिट करनी थी। उस आदेश के विरुद्ध मुस्लिम पक्ष सीधे सुप्रीम कोर्ट में, जो पहले से एक लंबित SLP है, उसमें उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाया और उसको आज मेंशन करके कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए आग्रह किया। उनका आग्रह स्वीकार करते हुए उस पर आज सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि एएसआई टीम ने वहां पर खुदाई करनी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि वहां पर मैपिंग और फोटोग्राफी की जा रही है, ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि वहां पर खुदाई की जा रही है। एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वहां पर कोई खुदाई नहीं की गई। एएसआई ने कहा कि वहां पर सिर्फ वीडियोग्राफी मैपिंग, रडार मैपिंग आदि हो रही है। एएसआई ने ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई फिलहाल खुदाई जैसा कोई काम नहीं कर रही। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्षकारों को कहा जाए तो एक तरह से थोड़ी सी राहत दी है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि निचली अदालत का जो आदेश है एएसआई सर्वे का, वो 26 जुलाई शाम 5 बजे तक उसके ऊपर रोक रहेगी। इस दौरान मुस्लिम पक्षकार जो हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करें और इलाहाबाद हाईकोर्ट तत्काल प्रभाव से इस मामले में सुनवाई करें। कैमरा पर्सन पवन के साथ टोटल टीवी के लिए अवैस उस्मानी, नई दिल्ली से।